नमस्कार, इंडी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकारों ने सूप बजाकर डीएम दफ्तर का किया परिक्रमा। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया जहां जनपद के तीन पत्रकारों की बाइज्जत रिहाई को लेकर संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा द्वारा किए जा रहे आंदोलन के क्रम में आज बुधवार को कलेक्टर परिसर में आज जनपद में पत्रकारों द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों द्वारा सूप बजाओ नरेंद्र भगाओ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, दीपावली के पहले घर की माताएं घर में ईश्वर और लक्ष्मी जी के निवास और दरेंद्र को भगाने के लिए सूप बजाती हैं और कहती हैं, ईश्वर पैसे दरेंद्र भाग्स। कलेक्टर परिसर में क्रमिक अनशन का आज दूसरा दिन था। सूप बजाने के बाद सभी सूप को जलाया गया। आइए सुनते हैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रांतीय महासचिव मधुसूदन सिंह मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कह रहे हैं। मैं मधुसूदन सिंह, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय मुख्य महासचिव। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया जिलाधिकारी कार्यालय पे? देखिए, बलिया में 30 मार्च से तीन पत्रकारों को जिला प्रशासन ने फर्जी तरीके से पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे हुए हैं और 13 दिनों से हमारे पत्रकार साथी जेल में, हम लोग आंदोलनरत हैं, 13 दिनों से आंदोलनरत हैं और यह आज हमारा क्रमिक अनशन का कलेक्ट्रेट पे दूसरा दिन था। इसी क्रम में हम लोग जिलाधिकारी के सामने सूप बजा के, जिलाधिकारी कार्यालय की परिक्रमा किए हैं सूप बजा के। जैसे दीपावली के पहले हमारे यहाँ घरों की माताएं बहने सूप बजाकर और कहती है कि ईश्वर पैसस दलिदर भागस, वही कहते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट की परिक्रमा किए हैं कि हे भगवान, यहाँ से दूसरा कोई डीएम आए जो ईश्वर का प्रतिरूप हो, जो न्याय करने वाला हो और यह जो दलित्र डीएम है यहाँ से जाए। इसके लिए हम लोगों ने, पत्रकार साथियों ने सूप बजा करके और कलेक्ट्रेट का परिक्रमा किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।